लोग खाना खा के निकले हैं थोड़ा सा टहलने के लिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हम आपको दिखाएंगे थोड़ा मुंबई का नज़ारा। अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप तेल भराने के लिए। पेट्रोल फिर हम निकलेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको तो भी दिखाऊंगा। ड्राइवर तो हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप तेल डलवाने के लिए ताकि हम शेयर पर निकल सकें। तो वीडियो पे बने रहिए, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस मुंबई की ये ट्रैफिक सी आवाज़ें वेरी बोरिंग, वेरी वेरी इरिटेटिंग, बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है कान दोनों साइड से बज। अरे ना नहीं, कोई डरने की बात नहीं, ड्राइवर स्ट्रॉन्ग है। देख रहे हैं आप यहाँ की रोड, यहाँ की गाड़ियाँ। वैसे यहाँ की अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, तो 11:30 के बाद फिर मेरे पब्लिक जो है मतलब कम हो जाती है, मतलब आना जाना थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है। उसके लिए तेज चल रही गाड़ी नहीं, हम लोग एकदम स्लो स्लो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 40 का स्पीड में जा रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ प्रोफेशनल स्टेट से कहाँ जाएंगे? प्रोफेशनल स्टेट से जाएंगे मरीन ड्राइव, हम लोग मरीन ड्राइव से गार्डन होटल चरनी रोड से उधर से होते हुए गाइस हम लोग वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लोर करके एंजॉय करेंगे। आप लोग भी बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब गाइस और सब लव यू ऑल्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक प्लीज। ये देखिए आप लोगों के लिए आइला, हम लोग सिग्नल भी तोड़ दिए दोस्त, क्या बताएं। वीडियो बनाने के चक्कर में कैमरे में आ जाएंगे पक्का।
बाइक की जो नंबर वो कैमरे में आ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा स्लो ब्रो। अब ये सिग्नल नहीं तोड़ सकते ड्यू टू सम रीजन, ये सिग्नल हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट एरिया है, बहुत यहाँ पे सिग्नल तोड़ना वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे सिग्नल नहीं तोड़ सकते। हरा सिग्नल मिल जाए जा रहे हैं हम लोग। दिस इज मेट्रो सिनेमा, देख सकते हैं ये मेट्रो सिनेमा है, ये आ गया मेट्रो आई मोस्ट पॉपुलर सिनेमा इन मुंबई। ब्रो ये एरिया का नाम क्या है? इसका नाम है चरनी रोड। चरनी रोड गाइस, दिस इज चरनी रोड, यह है मेट्रो सिनेमा। देखिए देख सकते हैं मेट्रो सिनेमा, कौन सी मूवी लगी है? सर्कस मूवी लगी है, सर्कस सर्कस। ठीक है, नाइट व्यूज वेरी नाइस। ब्रो कुछ बोलना चाहोगे? हाँ यस, रात को निकल के बढ़िया एंजॉय करने में आनंद ही आनंद है। हाँ तो चलो लेट्स एंजॉय, लेट्स गो। ये देखिएगा गाइस, हम लोग पेट्रोल पंप आ गए हैं तेल भराने के लिए। देखिए कितना का डलाएंगे? 110 या 150 है तो 150 कर दो। नहीं नहीं 100 कर दो। नहीं 100 एक लीटर 100 वो ज़्यादा हो जाएगा वो, बस कल का कल देखेंगे। नहीं 110 कर दो। हाँ 110 वन लीटर 110 ना। हाँ हम लोग के पास ए सड़ी की बाइक है गाइस, क्या करेंगे, इसी से घूमना पड़ता है। अच्छा वाली मुस्कान लेके आ गया पेट्रोल डलाने के लिए। पेट्रोल का भी क्या रेट चल रहा है मुंबई में? 103 106 हो गया। ओ माय गॉड 106, इसमें फिर भी तो कुछ नहीं जाना आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं क्या बात कर रहा है, पूरा मुंबई घूमने के पागल। नहीं वो मैं नहीं 20 की टिकट। हम लोग पेट्रोल डलवा लिए हैं 110 रुपये का, तो निकले हैं मुंबई शहरी करने के लिए। 110 रुपये में वी आर गोइंग टू एंट्री इन फैशन स्ट्रीट। हम लोग जाएंगे फैशन स्ट्रीट, आप लोग को दिखाएंगे फैशन स्ट्रीट। मरीन ड्राइव अभी गाइस यहाँ से हम लोग लेते हुए जाएंगे मरीन ड्राइव, फिर मरीन ड्राइव से होते हुए वापस आ जाएंगे। और तो आप लोग भी रात का सैर कर सकते हैं। काफ़ी ठंड लग रहा है इधर, गर्मी है बट ये साइड साइड तरफ अगर आएंगे ना तो ठंड काफ़ी लगती है इधर। राइट साढ़े 11 बज टाइम कितना हो रहा है, लगभग 12 बजने वाला है, तो गर्मी भी नहीं दिख रही है। तो कुछ इधर दिखाता हूँ, ये देखिए स्टैचू किसका है? ये है जय जवान वाला एक स्टैचू है, बहुत पुराना। सॉरी गाइस मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ स्टैचू किसकी है ये, बट बहुत बढ़िया दिख रहा है इसकी भी स्टैचू हो। अभी सिग्नल है, सिग्नल पे रुके हुए हम लोग।
यहाँ से हम राइट लेंगे कि स्ट्रेट जाएंगे? राइट अब यहाँ से हम राइट लेने वाले हैं और सीधा पहुँच जाएंगे मरीन ड्राइव। रास्ते में आएगा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वो हाई कोर्ट है मुंबई का। ये मुंबई का हाई कोर्ट तो ये सामने है। ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये सामने जो दिख रहा है वो देखिए, ये वो मुंबई का हाई कोर्ट है। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। सिग्नल ही नहीं खुल रहा है, क्या चक्कर है? देखिए ये मुंबई हाई कोर्ट है। दिस इज मुंबई हाई कोर्ट। देख लीजिए, इतने में तो कुछ अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना, अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये मुंबई हाई कोर्ट। ये क्या है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन है ये। गाइस ये चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, दिख रहा है सामने बड़ी बिल्डिंग जैसी जो है दिख रही है। क्या चाहिए? 1 मिनट। ये लीजिए, दिस इज फॉर यू, थैंक यू। बेचारी दादी इतनी ठंड में ऐसे मतलब करती थी, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। गाइस वेरी बैड फीलिंग, वेरी नाइस दिस स्टेशन ऑफ चर्च गेट। चर्च गेट नल गाँव चौपाटी। गाँव चौपाटी चलो अंदर नहीं जाने का है, अंदर किसी और दिन इनको बताएंगे। कभी किसी और दिन अंदर जाके अच्छे से ब्लॉग बना दूंगा।
ताकि आप लोग देख सकेंगे। क्या हो ब्रो, मोबाइल चेक कर रहा है? व्हाट्सएप? व्हाट्सएप में एक फ़ोटो लेना है मेरे को, ये वाले का। क्या कर रहा है? मेरे कैमरे इतना अच्छा नहीं आता है ब्रो, मेरा फुल HD है। कैफे कॉफी अमर फास्ट फूड सब हो गया। वहाँ से शूटिंग करेगा किसी और दिन? अभी फिर वक्त बहुत काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बजे हैं। वापस अपने अपने घर पे जाना है, अपने अपने रूम पे। बहुत फेमस है कोने में, बहुत फेमस है ये पूरा एरिया, इन्होंने कहा जी एरिया पूरा फेमस है। एवरीथिंग इज ऑल हियर। व्हाट हैपेंड ब्रो, व्हाट अ सिग्नल, सिग्नल इज अ वन लव आई होप खुल जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, नहीं खुल रहा है सिग्नल। यहाँ पर भी सिग्नल ऐसे। एक बात माननी पड़ेगी, मुंबई के अंदर सिग्नल है साला, तोड़ दिया जाएगा सिग्नल को। तोड़ते हुए हम चिरते हुए फाड़ते हुए जा रहे हैं। ये रूल के खिलाफ है, एक अलग बात है, सिग्नल नहीं तोड़नी चाहिए। क्या है, ये है देख रहे सामने, तो वाइट कलर की जो लाइट जला हुआ है, रिलायंस हॉस्पिटल है वो, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कहाँ पे वो? ये आता है ग्रांड रोड। ग्रांड रोड तो नहीं है ये, ग्रांड रोड ये देखिए, ये रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ऑफ मुकेश अम्बानी है ना, मुकेश अम्बानी के माँ के नाम से हॉस्पिटल है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी है। वापस जाते हुए तो गाइस अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मिलते हैं एंड में, जब ब्राउन रूम पे पहुँच जाएंगे वहाँ थोड़ी सी कुछ बात कर लेंगे। खत्म। ओके वापस जा रहे हैं, हम लोग अभी आ रहे हैं पूरा मरीन ड्राइव का मजा लेते हुए और ड्राइव करते हुए जस्ट, क्योंकि अभी नाइट टाइम है तो कुछ ज़्यादा सिग्नल और ट्रैफिक तो है नहीं, जब सिग्नल मिलते ही जा रहे हम जा रहे हैं, तो अभी मरीन ड्राइव का बाइक से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए अभी और चैनल में सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे नेक्स्ट अपलोड
टाइम से नोटिफिकेशन आते रहे। बाकी बात कीजिए हमारे आजार से, ये देखिए फिर से वाह गुड लक, हमारे सिग्नल्स ऑन होते जा रहे हैं कंटिन्यू। ये बन रहा है हमारा G20 का, ये एक सम्मिट है जिसके अंदर में सब इंडिया का ये आता है, ये बोलते वेलकम बैक एंड हम लोग यहाँ से गए तेल वराए और पूरा मरीन ड्राइव के सैर करते हुए आप लोगों को दिखाया पूरा सर में के एम्बेसडर होटल और अपने एयर इंडिया वेड ऑफिस अपना ट्राइडेंट ओबेरॉय NCPA पूरा मरीन ड्राइव दिखाते हुए फिर से आ गए अपने घर पे। सो आप लोग इसी तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं जो बहुत जलते हैं, देखिए ये जलने वाले लोग हैं।